ताशागंज सराय खासा इलाके में खोपड़ी का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने खोपड़ी को जांच पड़ताल के लिए भेज दिया है। थाना सागंज खेरिया मोड़ सराय ख्वाजा इलाके में खोपड़ी का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई। खोपड़ी का कंकाल नाले में मिला था। पुलिस ने खोपड़ी के कंकाल को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बात का पता लगाया जा रहा है आखिर कंकाल किसका है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर मामला क्या है। थाना साहगंज के सराय कोया चौकी क्षेत्र में नाले की सफाई करते हुए एक सिर का कंकाल का पार्ट मिला है और उसे पुलिस ने जब्त करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसके बारे में कमेंट किया जाना समीचीन होगा और उसके बाद उसमें विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रथम दृष्टया वो एक सिर का पार्ट दिख रहा है और उसकी जांच के बाद सभी तथ्यों पर बताया। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आसपास कौन से बच्चे कब से लापता हैं। कंकाल पुराना मालूम पड़ता है। सवाल ये उठता है कि जब खोपड़ी का कंकाल है तो बाकी शरीर कहाँ है। बहरहाल खोपड़ी का कंकाल मिलने से तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। खोपड़ी का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने खोपड़ी के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। इसके अलावा उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जो क्षेत्र से लापता है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर खोपड़ी का कंकाल किसका है। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।